Hi guys, Chivangi, welcome to my channel. आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि आज मैं पेपर क्राफ्ट ट्राई करने जा रही हूँ। पता नहीं मैं ये चीज कितने सालों बाद ट्राई करने जा रही हूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो मैन, मैं कलर्स में इतना ज्यादा व्यस्त थी कि मैं भूल गई कि पेपर क्राफ्ट नामक भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस धरती पे। ऑफकोर्स आई एम एक्साइटेड, ऑफकोर्स आई एम नर्वस। सो मेरा प्लान है कि मैं अपना ड्रीम रूम बनाऊं पेपर क्राफ्ट से। मैं कुछ भी फैंसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करने वाली आज की वीडियो में, बट लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट माय नेल पेंट। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जितने भी नेल पेंट्स लगाए, मुझे ये सबसे बेस्ट लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो यार। ओके, सो सबसे पहले मैं लूंगी व्हाइट शीट। अगर आपके पास बड़ा चार्ट पेपर है तो बेस्ट रहेगा, मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैं दो छोटू छोटू व्हाइट शीट्स को लेके कंबाइन करने वाली हूँ। मैं एक व्हाइट शीट में दो एग्जैक्ट साइज के स्क्वायर बॉक्सेस बनाऊंगी, एंड सिमिलरली मैं सेकेंड शीट में भी दो सेम साइज के स्क्वायर बॉक्सेस बनाऊंगी, एंड जो भी एक्स्ट्रा एरिया है उसको मैं जल्दी से कटर की हेल्प से कट कर दूंगी। सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100 सदियों बाद पेपर क्राफ्ट करने वाली हूँ। बट एनीवे, पेपर्स की प्रॉपरली कट होने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका है एलिमेंट्स को डालने का। सो ऑफकोर्स यार, अगर मैं अपना बेडरूम बना रही हूँ तो उसमें बेड तो होगा ही ना सोने के लिए, आराम करने के लिए, नहीं तो आप क्या चाहते हो मैं 24/7 बस काम ही करती रहूँ। सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ 3D बेड। ओह माय गॉड। सबसे पहले पेपर को सीधा सीधा कट करूंगी एंड फोल्ड्स के साथ मैं इसको 3D शेप दूंगी। आई एम सो एक्साइटेड, पता नहीं वो एंड में कैसा लगता है, बट ओह दिस इज रियली एन एक्सपेरिमेंट। टेल मी, आर यू गाइस लाइकिंग इट? तो हमने दो स्क्वायर बॉक्सेस को ऑलरेडी यूज कर लिया है, बाकी के जो दो स्क्वायर बॉक्स है उनका अब हम एक और स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देख रहे हो, एकदम बेसिक एल शेप है, काफी आसान। अब मैं ना रफ स्केच करना फटाफट स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज जब तक हम रफ स्केच नहीं करेंगे तब तक हम पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। सो मैं सेकंड पेपर में भी जल्दी से रफ स्केच करना स्टार्ट कर दूंगी, एंड में मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक 3D स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इट्स गोना लुक सुपर प्रिटी। फाइनली गाइस, द टाइम इज हियर, नाउ वी विल हैव टू यूज आवर वाटर कलर्स, एंड ये वाटर कलर्स मैं सेकंड टाइम यूज करने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था, दैट इज व्हाई बाबा आदम के जमाने की वाटर कलर्स को टाटा बाय बाय। सो ऑल आई हैव टू से इज आई एम सो एक्साइटेड टू पेंट दिस ड्रीम हाउस तो नहीं, ड्रीम रूम, बिकॉज मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ, मैं यहाँ पे 25 सालों से रह रही हूँ, एंड मुझे ऐसा कुछ चांस नहीं मिला कस्टमाइज करने का, बिकॉज दिस इज हाउ इट वॉज सिंस द बिगिनिंग। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरा इतना मन करता है ना रूम डेकोर का, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने का, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना रूम कस्टमाइज करूँ पेंटिंग में एटलीस्ट, जिससे कि मुझे खुशी मिले यार। एंड जिस तरीके से मैं डिटेल्स ऑलरेडी एड करती जा रही हूँ, आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज इस वीडियो में बहुत सारी ढेर सारी डिटेल्स एड होने वाली है। तो बता देती हूँ, ये जो पिंक कलर का नीचे पड़ा हुआ है, दिस इज अ पायदान। ओके, ये है एक लैम्प, ये है दूसरा लैम्प, एंड ये है मेरा बेड। सो pretty, एंड दिस इज ऑल मोटा मोटा सामान। अब मैं छोटे छोटे सामान पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, जैसे कि पॉट्स, फ्रेम्स, एक और पॉट, तीसरा पॉट, पता नहीं कितने सारे पॉट्स। बेड के ऊपर भी मैंने क्विल्ट बिछा रखी है, क्विल्ट पे भी यार मैं फ्लोरल टेक्सचर दे रही हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट मैन, मेरा बेड है, मेरी मर्जी में किस भी तरीके से सजाऊ। एंड मैं इसमें थोड़ा सा पिंक का टच भी दे रही हूँ, जस्ट टू एड दैट That style, bro. And मैं धीरे धीरे करके इसी पेंटिंग को बिल्ड अप करूंगी। As you can see, ये lamps हवा में नहीं उड़ रहे हैं यार, उसके नीचे साइड टेबल है, लेफ्ट एंड राइट। सो माई प्लान इज कि मैं सबसे पहले अपने बेड को कम्प्लीट करूँ शेडोज एंड थोड़ी डिटेल्स के साथ। ओ माई गॉड गाइज, जस्ट लुक एट दिस, ये अभी से ही कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, जबकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं बाकी की चीजों में भी कलर करना स्टार्ट करूंगी, एंड ट्रस्ट मी यार, इतना मजा आ रहा है नहीं छोटी छोटी चुनो चुनो चीजों को पेंट करने में, बिकॉज यूजुअली व्हेनेवर आई डू पेंटिंग ऑन रैंडम थिंग्स या कोई भी रैंडम वीडियो, आई पेंट ऑन बिग बिग चंक्स एंड बिग बिग स्टफ, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइनी है। आई एम नॉट रियली श्योर ये वीडियो में कैसा लगेगा, बट इन रियलिटी दिस इज वे टू टाइनी। आई नो यू माइट थिंक शिवांगी टू मच हो गया, बट यार मुझे टू मच ही तो चीजें पसंद है। अगर आप मेरा आर्ट का बैकग्राउंड देखोगे, आई मीन स्टूडियो का बैकग्राउंड देखोगे, दैट इज ऑल्सो टू मच कलरफुल एंड कंजेस्टेड, सो दैट मीन्स मुझे रंगीन और भरी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, मेरे रूम की फ्लोरिंग काफी ज्यादा बेसिक है, मैं यहाँ पे सिर्फ व्हाइट टाइल्स का यूज कर रही हूँ गाइज, नो मार्बल, बिकॉज पता नहीं यार मुझे टाइल ज्यादा पसंद है। आई नो दिस इज वियर्ड, बट दिस इज द रियलिटी। एनीवे, ये सब हो जाने के बाद मैं थोड़ी लाइट एंड शैडो ओवरऑल हर एक एक कॉम्पोनेंट में एड करूंगी, एंड
once that is done guys, now we will finally start with our second wall, जो कि दो और papers थे. If you guys remember, तो मैं सिर्फ उसकी एक wall को complete करूंगी. So if you notice here, यहाँ पे मैंने full size window बना रखी है and उसके बाहर की तरफ है balcony and balcony में है काफी सारे plants. So in general मुझे greenery plants बहुत ज्यादा पसंद है. In fact अगर आप मेरी videos में भी देखोगे, मैं कहीं ना कहीं plants तो add कर ही देती हूँ end में. If you see here, ये वाला table मैंने आपको पहले भी अपनी videos में दिखाया हुआ है. In fact मेरे दूसरा channel which is शिवांगी सा अनकट, उस वाले चैनल पे भी इस वाले टेबल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है. सो आई थॉट मैं इस टेबल को यहाँ पे भी बनाई देती हूँ. नाइस आइडिया गर्ल. अब मैं जल्दी से मैक्रमे आर्ट में भी पेंट करना स्टार्ट कर दूंगी. बाय द वे ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड नहीं करने वाली हूँ. गाइस कम ऑन, यू गाइस नो इट हाउ मच आई लव डिटेल्स. आई एम गोना ऐड अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड आई थिंक दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो द थीम सॉन्ग फॉर दिस वीडियो विल बी बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे. That is because यार हम सच में एक ऐसे कमरा ही तो बिल्ड कर रहे हैं ना. सो बॉब द बिल्डर. हाँ भाई हाँ. शिवांगी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कर रही है इसको कंप्लीट आज. वाओ वाओ वाओ. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. फाइनली हमारा सेकंड पीस भी कंप्लीट हो चुका है. अब टाइम आ चुका है दोनों को कंबाइन करके कुछ धमाकेदार बनाने का. बट आई फील यार ये वाला ना थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ और ऐड कर दूं. सो ऑफ कोर्स यार मेरा रूम है, मैंने डिजाइन किया है, मैं ही पेंट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी पेंटिंग तो होगी ना. अब मैं करने जा रही हूँ अपना रैंडम फ्लोरल आर्ट, बिकॉज यू गाइस नो इट आई लव फ्लोरल आर्ट एज वेल. मतलब आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे हर चीज पसंद है, बट हाँ जेन्युइनली मुझे सब कुछ ही पसंद है. सो मैं जल्दी से अपनी पेंट पे पेंट करूंगी एंड वंस दैट इज डन दिस इज व्हाट द फाइनल पीस विल लुक लाइक. कमेंट करके जल्दी से बता दो अभी तक का प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है. अब मैं फेविकॉल की हेल्प से इन दोनों को आपस में स्टिक कर दूंगी. एंड ऑफ कोर्स आई नो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग यार इतनी मेहनत क्यों, इससे अच्छा एक बड़ा चार्ट पेपर लेती और उसको बस बीच में से आधा काट देती. आई नो इट बट मेरे पास बड़ा चार्ट नहीं था, ना ही मेरे पास जाने का टाइम था गाइस. सो आई हैड टू डू इट दिस वे. सो अब मैं सेकंड पेपर के फ्लैप को नीचे लगाऊंगी एंड दिस इज व्हाट माय 3D स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. व्हाट डू यू गाइस थिंक, प्लीज कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, बिकॉज जेन्युइनली इसमें बहुत मेहनत लगी है एंड मैं बता नहीं सकती. मैं काफी टाइम बाद इतनी एक्साइटेड थी कोई आर्ट पीस बनाने के लिए, बिकॉज बाकी सारी चीजें थोड़ी मोनोटोनस होती है, रैंडम होती है, नॉर्मल होती है, बट इसमें एक वो वाली नेक्स्ट लेवल वाली किक मिली एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. अल्टीमेटली इफ यू लुक एट दिस, मेरा रूम एक फ्लैट बैग है यार. मैं इसे खोल के बंद करके बैग में भी रख सकती हूँ. सो गाइज मैं आपको जल्दी से वर्चुअल रूम टूर दे देती हूँ. दिस इज माय बेड, दिस इज माय वर्क एरिया. यहाँ पे मैं कभी कभी शूट भी करती हूँ. इन कबर्ड्स के अंदर मेरी एक्सेसरीज हैं, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं. देन दिस पेंटिंग, दिस इज पेंटेड बाय मी. दीस प्लांटर्स, दे आर फ्रॉम IKEA. द कर्टन इज ऑल्सो फ्रॉम IKEA एंड दिस इज माय ह्यूज बालकनी. व्हाट यू गाइज थिंक, आपको मेरा रूम कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ. ओके गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी एंड इन वीडियोस को बनाने में ना बहुत मेहनत जाती है. प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस 1% भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट किया करो इन वीडियोस पे. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीक. आई प्रॉमिस यू मैं नेक्स्ट हफ्ते कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार लेकर आऊंगी. ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट. बाय बाय, टेक केयर एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइस.